हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस और लिमिट्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। ये जो वीडियो है 2022 के हिसाब से अपडेटेड वीडियो है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो पेटीएम के अंदर दो टाइप के कार्ड इशू होते हैं, पहला हो गया वर्चुअल कार्ड और दूसरा हो गया फिजिकल कार्ड। गाइस, वही बात करें पेमेंट नेटवर्क कंपनीज की, तो पेटीएम के अंदर दो तरीके की पेमेंट नेटवर्क कंपनीज अवेलेबल हैं। पहला हो गया रुपे जो कि इंडियन है, दूसरा हो गया वीजा जो कि ग्लोबली काम करता है। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप जिस भी कंपनी का कार्ड यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्ड एश्योरेंस चार्ज के बारे में। तो गाइस, जो वर्चुअल कार्ड होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। सारे जो ऑपरेशन है पेटीएम ऐप से आप मैनेज कर सकते हैं। इस पे ना तो कोई ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है, ना ही कोई मेंटेनेंस का चार्ज लगता है। जो चार्ज लगता है केवल फिजिकल कार्ड पे लगता है। तो अगर आप फिजिकल कार्ड एक्टिवेट करते हैं या फिर पहली बार के लिए मंगवाते हैं तो इसका जो एश्योरेंस चार्ज है वो है ₹250। और गाइस, जो भी चार्जेस हैं एश्योरेंस के वो वीजा और रुपए दोनों पे सेम ही एप्लीकेबल होते हैं। और अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है, आप इसे रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो जो फिजिकल कार्ड पे जो चार्ज लगेगा वो है ₹250। और गाइस, फिजिकल कार्ड पे जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है या फिर आप कह सकते हैं मेंटेनेंस चार्ज है सालाना का, वो है ₹150, यानी कि ₹150। ये जो चार्जेस हैं वीजा और रुपए दोनों के लिए सेम है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम पे जाके कैश विड्रॉल करते हैं या फिर किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन ऑपरेट करते हैं तो उस पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप अदर बैंक के एटीएम मशीन पे जाके ट्रांजेक्शन करते हैं पेटीएम के डेबिट कार्ड पे, तो उस पे आपको चार्जेस देने होंगे। तो ये मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज दोनों के लिए डिवाइड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज पे लगने वाले एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज की, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुर एंड हैदराबाद। तो यहाँ जाकर अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्ड यूज करते हैं किसी भी एटीएम मशीन पे, तो 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है हर मंथ। लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको चार्जेस देने होंगे। तो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं आफ्टर लिमिट, तो आपको ₹21 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज करते हैं तो आपको ₹8 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं नॉन मेट्रो एटीएम्स पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो अगर आप नॉन मेट्रो एटीएम पे जाके ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ 5 ट्रांजेक्शन हर मंथ फ्री है, आप जाकर कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट को रीच कर जाते हैं तो उसके बाद आपको चार्जेस देने होंगे। कैश विड्रॉल पे आपको ₹21 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज के लिए आपको ₹8 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज पे करने होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना डोमेस्टिक चार्ज, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनली चार्जेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है पेटीएम के अंदर वीजा कार्ड अवेलेबल है। अगर आप इसका यूज करते हैं किसी फॉरेन की कंट्री पे तो आपको 4% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा अमाउंट के हिसाब से। जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉल करेंगे या फिर मर्चेंट पे करेंगे तो उस अमाउंट पे 4% का आपको ट्रांजेक्शन फी देना होगा। वहीं अगर आप इंटरनेशनली एटीएम पे जाके कैश विड्रॉल करते हैं फिजिकली, तो वहाँ आपको ₹147.50 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज करते हैं तो आपको ₹29.50 के हिसाब से पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। पेटीएम के अंदर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की सुविधा नहीं मिलती है, 2020 के पहले ही ये मिला करती थी, अभी ये सुविधा बंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी सारे यूजर्स ने कॉमेंट किया था कि 2022 के हिसाब से पेटीएम के डेबिट कार्ड के चार्जेस की वीडियो बनाइए, तो वीडियो हाजिर हो गई है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको कुछ नया जानना है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तला बीस्ता।